हेलो दोस्तों, मैं हूं वसुदेव शमसी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लर्न इजी। दोस्तों, ये है पार्ट टू उस वीडियो का जो मैंने कल डाला था। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि एक जी फाइल डाउनलोड कीजिए और इसके बाद आप 10 की 10 पूरी टीमों की स्किल बढ़ा सकते हैं प्लेयर्स की, और उसके बाद में आप टेस्ट में 6 मार सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वीडियो पढ़ा है उसके बाद लोगों ने जिप फाइल को डाउनलोड करना शुरू कर दिया, वो लिंक स्लो हो गया, दो लिंक और दिए वो भी स्लो हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे एक साथ डाउनलोडिंग कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, वो अभी भी वर्क करेगा, जब जो है उस पर थोड़ा सा डाउनलोडिंग कम होगी तो वो वर्क करना शुरू कर देगा। लेकिन आज मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से बिना फाइल डाउनलोड करे आप अपने प्लेयर्स की स्किल बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आप एडिटिंग करना है, कैसे बनती है फाइल। तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको स्टोरेज में ले जाता हूँ अपने मोबाइल में। सबसे पहले आपको करना है शो हाइडन फाइल, जो कि आपका इंटरनल स्टोरेज यानी कि डिवाइस स्टोरेज में, जैसे ही आप माई फाइल में जाएंगे या फाइल मैनेजर में जाएंगे तो इस शो हाइडन फाइल का फीचर है, इसको ओपन कर दीजिए। इसमें कर दीजिए शो हाइडन फाइल। उसके बाद में हम चलेंगे एंड्रॉयड में। मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पास इस वक्त कोई भी फाइल नहीं है, तो एंड्रॉयड में जाके फिर डेटा में जाएंगे, डेटा में जाके WCC2 फाइल में, फिर उसके बाद फाइल में जाके आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है, सिर्फ येलो फोल्डर है। अब दोस्तों, वापस जाते हैं और गेम को ओपन करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एक टीम चूज़ करके उसके 5 ओवर खेलना है, वो भी बॉलिंग से। शुरुआत आप बॉलिंग से करेंगे, बैटिंग से नहीं करेंगे। एक बार चेंज स्क्वाड को भी ऐसे स्वाइप कर देते हैं, मेरे हिसाब से ये ज़रूरी है। तो मैं 5 ओवर का गेम खेलने जा रहा हूँ और आपसे मैं ये कहता हूँ कि आप एक टीम चूज़ कीजिए और कम से कम उसके 5 ओवर खेलिए और शुरुआत बॉलिंग से करिए। तो मैं आपको दिखा दूँ कि मैं बॉलिंग से ही शुरुआत करूँगा। यस, तो मैं बॉलिंग से शुरुआत करने जा रहा हूँ और मैं आपको बता दूँ कि हो सकता है आपका प्रोसेसर स्लो हो मोबाइल का, तो आपको 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर भी खेलना पड़े, क्योंकि आपको चेक करना है कि आपकी फ़ाइल बनी कि नहीं बनी। अभी आप आगे देख लीजिएगा क्या होता है। तो मैं इसको फील्डिंग सेट कर लेता हूँ और मैं 5 ओवर खेलने जा रहा हूँ। मैं इसमें विकेट वगैरह नहीं लेना है, बस मुझको टाइम पास करना है और मैंने 5 ओवर खेल लिए हैं। अब इसको इस तरीके से स्वाइप करना है और वापस चलेंगे फोल्डर में, और यहाँ पे हमको डिवाइस स्टोरेज वही वापस जाना है, एंड्रॉयड में, एंड्रॉयड के बाद डेटा में, डेटा के बाद WCC2 फाइल। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंडिया tmindia.dat करके एक फाइल आ गई है, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करके इसका रीनेम यानी इसका नेम चेंज करेंगे, रीनेम पे जाएंगे, रीनेम पे जाके इसके आगे जो डॉट है इसको हटा देंगे। जैसे ही डॉट को हटाएंगे और सेट कर देंगे, आप देखिएगा कि ये डॉट हटाने से वापस चलेंगे फाइल एक्सप्लोयर में। इस डॉट को हटाने से फाइल एक्सप्लोयर में ये फाइल शो करना शुरू हो जाएगी। अगर आप ये डॉट नहीं हटाते हैं तो ये फाइल एक्सप्लोयर में शो नहीं करेगी। एंड्रॉयड में जाते हैं, डेटा, उसके बाद WCC2 के फोल्डर में, और यहाँ पे फाइल। अभी इसको एक बार टच करेंगे और सबसे ऊपर वाले टेक्स्ट में जाएंगे, ऑप्शन को चूज़ करेंगे, टेक्स्ट जहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम ES नोट एडिटर पे जाएंगे और किसी में नहीं। उसके बाद सबसे ऊपर 3 डॉट्स हैं, उनके ऊपर क्लिक करेंगे, एडिट पे जाएंगे। अब यहाँ पे आप किसी भी प्लेयर की स्किल को चेंज करके हैंडल कर सकते हैं। देखिए, आपके भी मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, और हैंडल कर दीजिए। दोस्तों, मैंने आपकी सुविधा के लिए, आपकी आराम के लिए 10 की 10 टीम की फाइलें बनाई थी, जिसमें मुझको लगे थे 8 घंटे। लेकिन दोस्तों, वो स्लो हो गया उसका लिंक और सारा मामला हो गया ख़राब। लेकिन आज जो है मैं जो बताने जा रहा हूँ, इसमें आपको टाइम तो लग सकता है। मैंने 3 प्लेयर की चेंज कर दी है स्किल और वापस यस करके वापस जाते हैं। अभी वापस जाके दोस्तों, अब हमको फिर से डिवाइस स्टोरेज में जाना है। ये ऐसे ओपन हो जाएगा, लेकिन मैं आपको फिर से वापस जाके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ओपन फिर से करते हैं, माई फाइल या फाइल मैनेजर, और फिर डिवाइस स्टोरेज, एंड्रॉयड, एंड्रॉयड के बाद एंड्रॉयड में जाएंगे, और फिर डेटा, डेटा के बाद WCC2 फाइल, और इसको फिर से लॉन्ग प्रेस करेंगे और जो हमने डॉट हटाया था वो वापस लगा देंगे, क्योंकि ये फाइल
विजिबल यानी गायब हो जाएगी, तभी वर्क करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। इसको सेव कर दिया। अब इसको वापस जाते हैं और गेम को ओपन करते हैं, देखते हैं कि इसने वर्क करना शुरू करा या नहीं। ये ध्यान रखिएगा कि टेस्ट में जब आप जाएं तो इंडिया की आपने जिस फाइल को करा है जिस तो न्यू पे ही, न्यू टेस्ट सीरीज से शुरू करें, कंटिन्यू पे ना जाएं और ओके करें। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने इसमें नहीं है मैं, और दूसरे वाले में देखें तो बैटिंग स्किल 100 है और मैंने 3 प्लेयर की वहाँ पे बढ़ाई थी स्किल। तो ये चेतेश्वर पुजारा इनकी भी है और विराट कोहली इनकी भी है, तो 3 प्लेयर की मैंने बढ़ाई थी। अब मैं गेम को ओपन करके देखता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको जो है बहुत ही सुविधा वाली चीज़ है, बहुत आराम वाली चीज़ है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। और अगर आप चाहें तो जब लिंक उसमें से स्लो उसका जो है ख़त्म हो जाए तो आप डाउनलोड करके अपने 10 का 10 पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट बॉल से ही लॉफ मीटर आ गया है, तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। आपको इस तरीके से सारा प्रोसेस करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी चीज़, जो लोग मैसेज कर रहे हैं कि मैंने उनको जो है बेवकूफ़ बनाया या उनको जो है मैंने रॉन्ग चीज़ दे दी, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मुझे अपने चैनल की रिपोटेशन का ख्याल रहता है और आप सभी की जो है को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने एडिट करी थी। लेकिन सारी प्रॉब्लम ये हुई कि सभी ने एक साथ लिंक को डाउनलोड किया और वो हो गया स्लो। तो अभी आपको दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ आपको। आप ज़रूर मुझे बताइएगा लिख के कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ जिनका हो जाए वो ज़रूर लिखें, क्योंकि नेगेटिव कमेंट ही लोग करते हैं। जब हो जाता है उनका वर्क करने लगता है तो बहुत ही कम लोग हैं जो आके बताते हैं कि हो गया है। तो मुझको भी अच्छा लगेगा कि अगर आप आएंगे और बताएंगे कि हाँ मेरा वर्क करने लगा है, तो प्लीज़ इतना ज़रूर टाइम निकालिएगा मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से आपके लिए कोई वीडियो बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन अब हर चीज़ पे किसी का जोर नहीं चलता है और कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो ही जाती है, जैसे लिंक स्लो हो गया और आप डाउनलोडिंग नहीं कर पाए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्प करे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो प्लीज़ इसमें बड़ा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर नए वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद।